नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब एक पुलिस चीफ देश के राष्ट्रपति को मुंह बंद रखने की नसीहत देता हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश कितने बुरे दौर से गुजर रहा होगा। दुर्भाग्य से ऐसा वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका के साथ हो रहा है, जहां ब्लैक लाइव्स मैटर मार्च वाले अमेरिका के कई बड़े बड़े शहरों में उत्पात मचाए हुए हैं। दरअसल अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि मिलिट्री को उतारने की नौबत आ गई है। देश के इस हालात पर भड़के ह्यूस्टन शहर के पुलिस चीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी नसीहत दी है। पुलिस चीफ आर्ट एवोकैडो ने एक न्यूज चैनल से देश के हालात पर बात करते हुए कहा, मुझे इस देश के पुलिस प्रमुखों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से केवल ये कहना है, कृपया यदि आपके पास कहने के लिए कुछ रचनात्मक नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें। तो ट्रंप पर आरोप लगाते हुए पुलिस चीफ ने कहा, आपकी ही वजह से आज देश के 20-21 साल के बच्चों की जिंदगी रिस्क पर आ गई है। हम नहीं चाहते कि लोग सड़कों पर आए और इस तरह की हरकत करें। हम लोगों को ऐसा इम्प्रेशन नहीं देना चाहते हैं कि हम उन पर कोई दया कर रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर हक है। तो आपको बता दें कि अमेरिका के कई बड़े बड़े शहरों में दंगे भड़के हुए हैं, हिंसा की आग व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में शरण लेनी पड़ गई। देश के हालात से गुस्साए ट्रंप ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी शांत नहीं बैठे तो वो सड़कों पर सेना उतारने का आदेश दे देंगे। तो दूसरी तरफ उन्होंने सभी राज्यों के गवर्नर से ये भी कहा है कि अपने राज्य में हिंसा रोकें और प्रदर्शनकारियों को लंबे वक्त तक जेल में डाल दें। तो एक तरफ ट्रंप सख्त एक्शन मिजाज में है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह ऐसे ऐसे नज़ारे भी देखने को मिले हैं जहां प्रदर्शनकारियों ने शर्त रखी है कि अगर पुलिसकर्मी घुटनों पर आ जाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे, और पुलिस वाले घुटनों के बल आ गए, जिसके बाद तमाम प्रदर्शनकारी उनसे हाथ मिलाते और गले मिलते हुए वापस चले गए।